सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के जो ऑप्शन डेटा के एनालिसिस है उसके इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे एक समझा देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉल सेलर एंड पुट सेलर होता क्या, ठीक है। देखो जनरली ऑप्शन बाय क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो फिर कॉल बाय करता है, मार्केट नीचे जाता है तो फिर पुट सेल का पुट बाय करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करता है, ठीक है। लेकिन देखो अगर कॉल सेलर अगर कोई ऑप्शन को सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका फायदा कब होगा, जब उसका जो कॉल है उसने जो सेल किया वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब कॉल नीचे कब जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर क्या कॉल क्या होगा, वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है। यानी अगर कॉल सेलर को अगर पैसे कमाने हैं तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका व्यू क्या रहेगा कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पुट सेलर है तो फिर उसका व्यू क्या होगा, अगर पुट सेलर चाहेगा कि मार्केट पुट सेलर अगर पैसे कमाना चाहता है तो फिर उसका व्यू क्या होगा मार्केट से, कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। ये तो आपको बेसिक के लिए आपको शायद पता ही होगी, ठीक है। नहीं पता तो फिर भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अगर कॉल सेलर को पैसे कमाने हैं, क्योंकि देखिए वो ऑप्शन क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको फायदा कब होगा, जब उसका कॉल नीचे जाएगा, ठीक है। तो कॉल नीचे जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। जब मार्केट नीचे जाएगा तभी कॉल सेलर वहां पे पैसे कमा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर कॉल सेलर को क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉल ऊपर जा रहा है, तो अगर कॉल ऊपर जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो वहां से एग्जिट कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पुट सेलर चाहता है कि उसको पैसे मिले तो फिर वो क्या करेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो पुट सेल करेगा, ठीक है। लेकिन यानी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वहां से एग्जिट मार लेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। देखो कॉल का ऑप्शन सेलर को ज्यादा मार्केट में वैल्यू क्यों थी, क्योंकि देखिए अगर को ऑप्शन बायर को अगर कोई ऑप्शन बाय कर रहा हो तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए लेकर भी ऑप्शन सेल ऑप्शन बाय कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर को क्या करना पड़ेगा, वहां पे कम से कम उसको 1-1.5 लाख 2 लाख इस तरीके से पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके वो ऑप्शन को सेल कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है कि उसको बहुत डिसिप्लिन देना पड़ता है, ठीक है। क्यों, देखो अगर ऑप्शन बाय अगर 100 रुपए का ऑप्शन बाय करता है तो फिर उसका रिस्क क्या होता है, वो बस 100 ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में वो 0 हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर 1000-2000 भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन सेल करता है तो उसको देखो उसकी रिस्क तो अभी बहुत बढ़ जाती है। क्यों, अगर वो 100 रुपए का ऑप्शन सेल करता है, ठीक है, उसको ज्यादा ज्यादा फायदा कितना हो सकता है, 100 रुपए का ऑप्शन 0 ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो वो 100 रुपए का कॉल 2000-3000 भी जा सकता है, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो 75% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर जो है वो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, ठीक है। सो इसी का फायदा हम ऑप्शन बाहर उठाने वाले, ठीक है। वो किस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे डेटा के साथ समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये 25 मार्च का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस दिन एक्सपायरी थी, ठीक है, वो एक्सपायरी का हम यहाँ पे डेटा देख लेते, ठीक है। तो देखो देखो जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखा था वही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता दें कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो है, सॉरी परसेंटेज वो है चेंज, उसके बाद हमें चेंज यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखो प्राइस करीब थी 9:43 के आसपास, ठीक है, जैसे मैं आपको बता था कि उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारी पोजीशन उस तरीके से ऐड कर दिए, ठीक है। सो देखो लाइक मैंने एक कॉल एक पुट एक कॉल एक पुट इस तरीके से मैंने अरेंज किया था, ठीक है। तो देखो 11:40 यानी 11:40 के आसपास देखो टाइम हो रहा था, एंड उसके बाद अगर आप डेटा देखोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको प्राइस दिखा देता हूँ 11:45, ठीक है, इसके आसपास, ठीक है। देखो उस दिन क्या हुआ था, मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद देखो मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया, ठीक है। फिर एक बड़ी सी सीलिंग आने के बाद बहुत लोगों को अब क्या लग रहा था कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत गिरा था, ठीक है। लेकिन अगर हम डेटा देखेंगे तो देखो यहाँ पे कॉल सेलर की, देखो जैसे मैं आपको कहा था कि कॉल सेलर को अगर कॉल सेलर को पैसे कब मिलेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ओवर चेंज, अगर आप परसेंटेज ओवर चेंज में देखोगे तो देखो 30 प्राइस क्या चल रही थी, 32,900, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, 32,830, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं,
अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो देखिएगा प्राइस क्या चल रही है, 32,800 के ऊपर चल, ठीक है, यानी 32,800 के ऊपर प्राइस चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेटा देखोगे, ठीक है, 32,700 का कॉल, ठीक है, यहाँ पे कितनी जबरदस्त राइटिंग हुई, ठीक है, 4,418 के आसपास यहाँ पे राइटिंग हुई, ठीक है, यानी तो जो प्राइस अभी 32,800 चल रही है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे यानी 32,700 की कॉल बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर शॉर्ट करेगी, ठीक है। एंड पर चेंज देखो यहाँ पे कितना हुआ है, माइनस में हुआ, यानी यहाँ पे ऑप्शन सेलर एक्चुअली बढ़ चुके, ठीक है, अगर ये ग्रीन में है एंड ये रेड में है तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज एक्चुअली बढ़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 32,700 की पुट की बात करेंगे तो देखिए पुट राइटर यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, पुट राइटर देखो कॉल कॉल सेलर के मुकाबले पुट राइटर की रेसिंग 190, 190% में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन लेकिन कॉल सेलर का अगर आप देखोगे तो वो देखिए यहाँ पे कितने 4,400 की होगी ऊपर, ठीक है। सिमिलर अगर हम 800 का कॉल देखोगे आप देखोगे तो वहाँ पे देखिएगा करीब 6,000 से भी ज्यादा का ओवा यहाँ पे राइट हुआ, ठीक है। अगर सिमिलर अगर हम 800 की पुट की बात करेंगे तो यहाँ पे 280 के आसपास, ठीक है। अगर हम 900 का भी आप यहाँ पे कॉल देख लेते हो तो इसके ऊपर भी बहुत जबरदस्त तरीके से राइटिंग हुई थी, ठीक है, यानी कॉल सेलर बहुत ही एग्रेसिव थे। लेकिन उसके मुकाबले अगर हम पुट सेलर देखेंगे तो वहाँ पे पुट सेलर थे ही नहीं, ठीक है, यानी उस पुट सेलर का कोई मुकाबला ही नहीं था यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट ऐसे और नीचे गिरेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पुट भी बाय करने के लिए दिया था, फिर देखिएगा वहां से 11:45 से ये कैंडल, ठीक है, इसके आसपास, ठीक है, ये 11:40 यानी 11:45, ठीक है, प्राइस वहां पे क्या थी, 32,800 के आसपास, ठीक है। तो वहां से मार्केट देखो कितना गया, 32,800 से मार्केट यहाँ पे गिरा करीब 400 तक, ठीक है। सो यानी यहाँ पे भी हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, यानी 6 कैंडल में हमें 400 पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिला, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा अगर आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे डेटा शेडिंग हो, ठीक है। फिर देखो ये 11:45 का दिखा रहे, ठीक है, तो अभी ये देखो 12:15 के आसपास, 12:15 की कैंडल कहाँ पे है, देखो 12:15 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 12:15, ठीक है। अब लोगों को क्या लग रहा था कि यहाँ से अब मार्केट और यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, ठीक है। तो वह डेटा देखिएगा, तब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे डेटा क्या था, देखिए 700 में क्या था, 4,400, ठीक है, 4,400 यहाँ पे परसेंटेज था, ठीक है। 800 में देखिए 6,000 के आसपास यहाँ पे था, एंड 900 के कॉल में 3,400 का यहाँ पे कॉल रेटिंग था, ठीक है। एंड 12:15 मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था कि वहाँ पे देखिए प्राइस क्या चल रहा है, 32,568, ठीक है, यानी करीब 32,600 के आसपास की प्राइस चल रही है। एंड यहाँ पे देखो कॉल सेलर और भी हेवीली यहाँ पे एक्टिव हो चुके, ठीक है, यानी डेटा कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ रहा, यानी कॉल सेलर अभी भी बहुत एग्रेसिव थे, ठीक है। सो 700 का देखिए यहाँ पे प्रीवियसली क्या था, 700 का 4,400 के आसपास था, जो अभी हो चुका था करीब 12,000 यानी करीब 13,000 के आसपास का यहाँ पे हो चुका था, ठीक है, यानी बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई थी, ठीक है। सो उसके बाद भी अगर हम देखेंगे, देखो 12-13 हज़ार से देखो यहाँ पे 14,000 के आसपास करीब ये ओआई का आया था, ठीक है, यानी देखो कंटिन्यू एग्रेसिव हो रहे थे, ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने ओआई डेटा देख के मैंने यहाँ पे उसके बाद देखो मार्केट एक बार गिरा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी थी, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से जो मार्केट यहाँ से गिरा है कहीं ना कहीं इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत जबरदस्त बुकिंग आने वाली, ठीक है, तो यहाँ पे बुकिंग आ सकती थी ऐसा मुझे लग रहा था। एंड अगर वो बुकिंग आती है, ठीक है, अगर मार्केट में अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो देखो यहाँ पे जितने भी कॉल सेलर यानी जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया था वो क्या करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने भी मार्केट शॉर्ट किया होगा कहीं ना कहीं, उन्होंने 9:15-9:30 बजे के आसपास मार्केट शॉर्ट किया था। एंड प्राइस अब टारगेट सॉरी अब अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो टाइम क्या हो रहा था करीब 12:30 बजे के आसपास, एंड ओवर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा, ठीक है। लेकिन मेरा व्यू क्या था, अब यहाँ पे वो थोड़ा प्राइस एक्शन एंड एक्सपीरियंस के साथ आता, ठीक है, जो व्यू मेरा वहाँ पे चेंज हुआ था वो एक्सपीरियंस के साथ हुआ था, ठीक है। अगर मैं सिर्फ डेटा के हिसाब से बात करता तो फिर क्या हो सकता था, वहाँ पे मे भी ट्रैक हो सकता था, ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि अब ऐसे मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से टर्न अराउंड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, हो ही जाएगा ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, प्राइस के हिसाब से वहाँ पे कंफर्मेशन होगा, ठीक है।
मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, सॉरी अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी ऊपर जाता है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाने लगता है, तो ये जितने भी कॉल सेलर है, देखो 500 हो चाहे वो 600 की कॉल सेलर हो, 700 की कॉल सेलर, फिर 800 की एंड 900 की कॉल, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट में देखोगे, तो पुट राइटर यहाँ पे ऑलरेडी इतने डर चुके थे कि वो राइटिंग करने नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन कॉल सेलर देखोगे वो मॉर्निंग से बहुत एग्रेसिव थे, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो फिर ये जितने भी यहाँ पे बड़ी बड़ी राइटिंग हुई ना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी सारी राइटिंग यहाँ से एग्जिट मार देंगे, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था, एंड मैं प्राइस के लिए थोड़ा वेट ही कर रहा था, ठीक है। तो मैंने ये चार्ट आपको 25 मार्च को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, आप चाहो तो उसमें जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। एंड कुछ मेरे जो 1 मिनट के सेटअप है, उसने ऑलरेडी मुझे बाय दे दिया था, ठीक है। एंड कुछ मेरा सेटअप था, ठीक है, एक प्राइस एक्शन का, तो वो मैंने क्या किया था वहां से, वो ऑलरेडी मैंने वहां पे और बॉटम में बाय किया था, ठीक है। मैंने जो ऑप्शन बाय किया था करीब सॉरी 77 या 77 से लेके 85 के बीच में मैंने कॉल बाय किए थे। एंड फिर वहां से देखिए इतनी जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली, देखो 32,600 से मार्केट जो यहाँ से जबरदस्त तरीके से ऊपर गया ना, तो वहां से देखिए मार्केट गया करीब, वहां से करीब 1,000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। यानी करीब देखो 950 पॉइंट के, 900 से 950 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी की थी, ये सारे कॉल्स मैंने आपको ग्रुप में दिए भी थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो इतना बड़ा बड़ा हुआ था, तो मेरा यहाँ पे व्यू एक फिक्स हो चुका था कि अगर मार्केट ऐसे थोड़ा ऊपर जाता है, मुझे कंफर्मेशन मिलता है ना, ये जो जितने भी कॉल सेलर है ना, वो सारे डर के मारे ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये डरना शुरू हो जाएंगे, फिर देखो ये 12:30 बजे के आसपास मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। आप भी इस तरीके से आपका जो डेटा है उसका पर टाइम फ्रेम में, यानी 10-15 मिनट में उसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक्सेल में सेव कर सकते हो। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे में उसका डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो 700 में 32,700 की कॉल में जो 14,728 की कॉल राइटिंग हुई थी, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के बाद देखोगे, एंड देखो 1:45 बजे तक यहाँ पे सब कुछ ठीक ही था, ठीक है। यानी वो देखो 4,000 वाली राइटिंग 15,000 तक गई थी, ठीक है। यानी 1:40 यानी 1:45 बजे तक सब कुछ ठीक ही था, ठीक है। यानी 1:12:45 देखो यहाँ तक सब कुछ ठीक ही था, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 बजे के आसपास भी यहाँ पे कॉल राइटिंग एक्चुअली थोड़ी बढ़ी गई, ठीक है। यानी अब 600 में भी बढ़ रही थी, ठीक है। यानी 15,000 का जो हुआ था एक ही स्ट्राइक में, जो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा था कंटिन्यू। एंड पुट की बात करेंगे तो पुट सेलर वहाँ पे कुछ उस दिन एक्टिव थे ही नहीं, ठीक है। उनके ऑलरेडी बहुत मतलब वो ऑलरेडी बहुत डर चुके थे, ठीक है। तो वहाँ पे पुट राइटर कोई एग्रेसिव था नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो करीब 1:30 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास देखेंगे, ठीक है, अब देखो 1 बजे के बाद भी यानी 1:06 के आसपास भी कॉल रेटर एक्चुअली बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गए, ठीक है। जो 14,000 था वो 15,000 हो गया, 15,000 के बाद 16,000 भी हो गए थे, ठीक है। सिमिलर लेवल 600 की बात करेंगे, 600 के लेवल 32,600 में कॉल रेटिंग कितनी हुई थी, 1,286, ठीक है। वही अगर टाइम देखेंगे आप 1:06 के आसपास वो 14,700 के आसपास गया था, ठीक है। यानी कॉल सेलर अभी भी एग्रेसिव थे, लेकिन मेरा व्यू ये था कि सुबह से राइटिंग हो रही थी, ठीक है। सो मुझे ये लग रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी ऊपर जाता है ना, तो ये सारे डरने लगेंगे, एंड ये जो पोजीशन आपने एग्जिट करेंगे उसकी वजह से हमें क्या होगा, बहुत जबरदस्त हमें यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे हमारे अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे ओआई के सेटअप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि ओआई के सेटअप ने आपको दिए थे ना, लाइक प्राइस अप ओआई डाउन, प्राइस डाउन ओआई डाउन, ठीक है, वो सेटअप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ना आपको बहुत जबरदस्त फायदा वहाँ पे जरूर होगा, ठीक है, 100% होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो ये जहाँ पे अगर ये करेंगे ना, मतलब यहाँ से अगर ये पोजिशन आप एग्जिट करेंगे, वो सारी चीजें आपको आपके ओवर के सेटअप में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप सारी चीजें यूज करते हो, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बनोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1:06 के आसपास भी सब कुछ ठीक ही था, ठीक है। तो अब देखो जब 1:16 बजे यानी 1:15 बजे देखो कॉल 600 का कॉल जो सबसे पहले 12,000 था वो 14,000 हो गया, उसके बाद देखो करीब 16,800
ठीक है, यानी 16,844 के आसपास आ गया था, एंड 32,700 का कॉल था। उसकी राइटिंग अगर हम देखेंगे तो 90,000 प्लस यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस कॉल राइटिंग हो रही थी, लेकिन अगर प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन था, यानी यहाँ पे क्या था, एक बॉटम लगने का साइन था, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या हो रहा था, एक अगर हम यहाँ से बात करेंगे, अगर आपको एलियट वेव या फिर न्यू वेव आता है तो फिर यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से 1, 2, ठीक है, ये हो गया 3, 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से आप कैसे पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एंड यस इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा थर्ड, यहाँ पे अगर फोर्थ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वही यहाँ पे यही पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो चीज़ मैंने आपको एक सिखाई, ठीक है, डाइवर्जेंस, यहाँ पे 100% डाइवर्जेंस जरूर होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन चार्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर तो उसके बाद मैं यहाँ पे आर एस आई ऐड कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, डाइवर्जेंस ऑलमोस्ट, देखो प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस था नहीं, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट से इक्वल लो था, ठीक है। अगर आप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखेंगे तो ये इक्वल लो था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कैंडल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल के हिसाब से अपर साइड दिखाया हुआ है, ये भी अपर साइड, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस था नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर देखो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो चुकी थी, ये देखो अगर ये इस साइड अगर ये ब्रेक होता तो यहाँ से भी फिर से एक बार हमें 500 रुपये का फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आप एलियट वेव को जानते हैं तो फिर यहाँ पे ना एक दूसरी एक चीज यहाँ पे एक और बढ़ी, ठीक है, यानी एक ही पॉइंट में, ठीक है। अगर हम फिफ्थ वेव देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यानी फिफ्थ लेग में 2 फिफ्थ बने थे, यानी फिफ्थ ऑफ फिफ्थ यहाँ पे हो चुका था, ठीक है, यानी यहाँ पे फिफ्थ में एक फिफ्थ और लग चुका था, यानी हो सकता था मेरा ऐसा मानना था वो दिन की, अब यहाँ पे बॉटम लग चुका है, यहाँ से करीब 500 रुपये का हमें मैक्सिमम 500 रुपये से मैक्सिमम 500 का मेरा ये टारगेट था, ठीक है। यानी मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ से कॉल सेलर अगर एग्जिट करते हैं तो हमें 500 रुपये का जबरदस्त राइज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। मेरा टारगेट एक्चुअली 500 का ही था, लेकिन जो जबरदस्त तरीके से इतने देखो जो यहाँ पे इस तरीके से कॉल सेलर एक्टिव हुए थे, सिमिलरली आप देखोगे तो 1:23 के आसपास वही कॉल सेलर 20,000 से को भी क्रॉस कर देते, ठीक है, यानी जो कॉल सेलर मॉर्निंग में कितने थे, करीब 4,000 के आसपास थे, ठीक है, वो करीब 20,000 तक जा चुके थे, ठीक है। यानी मैं कंटिन्यूस देख रहा था कि ओवर कंटिन्यूस बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो यहाँ से ऊपर जा सकता था, ठीक है। अब ये मेरा व्यू क्या था, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर कंटिन्यू 500 पॉइंट का हमें यहाँ पे जबरदस्त तरीके से एक राइज देखने को मिल सकता है। एंड मेरा व्यू ये था कि मोस्टली ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी थी, एंड इतने पर देखो मार्केट कहाँ से गिरा था, करीब 34,000 से गिरा था, एंड 32,500 के आसपास आ चुका था, ठीक है, यानी 1,500 का फॉल ऑलरेडी हो चुका था। तो मेरा ये ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर ही जाएगा, ऊपर की साइड में ही जाएगा, एंड मैंने ये चीजें आपने आपको ग्रुप में भी शेयर की थी, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे कॉल लिया था करीब 77 में मैंने बाय करना शुरू किया था, एंड 84 तक मैं उसको बाय करता रहा, ठीक है। सो मैंने करीब वहाँ पे 12,000 के आसपास कुछ क्वांटिटी मतलब बाय करी थी, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड जैसे ये कैंडल बनी, एक ही मिनट में मेरा जो कॉल था वो करीब 150 के आसपास जा चुका था, ठीक है। तो देखो इतना बड़े लेवल पे जो हुआ यहाँ पे राइट हुआ था, तो मैं ये मतलब मेरा यहाँ पे मानना ऐसा था कि मतलब मेरा ये व्यू था कि यहाँ से ओवर सेलिंग जरूर होगी, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो 1:23 तक मार्केट में कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे राइटिंग हो रही थी। अब देखो 1-2-3 मिनट में देखो ये कैंडल कब बनी थी, यहाँ पे 1:25 में, ठीक है, 1:25, यानी यहाँ पे आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो करीब 1:30 के आसपास लिया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग, ठीक है, जो चीज मैंने आपको सिखाई थी वो मैं खुद भी यूज कर रहा, ठीक है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 स्टॉकेस्टिक 50 मिनट का, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा, देखो जो 20,000 की जो ओवर सेलिंग थी वो कितने हुए, अभी यहाँ पे करीब 16,800 के आसपास आ चुकी थी, ठीक है। सो देखो एक ही कैंडल में, यानी एक ही कैंडल में से, यानी सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे करीब
करीब 4-5 हज़ार शेयर यहाँ से निकल चुके थे, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त वहाँ पे एग्जिट मारी थी उन्होंने। तो उसके बाद अगर हम देखोगे, देखो जो 20,000 का हुआ था वो देखो कहाँ पे आ गया, सिर्फ 10,000 रहेगा, ठीक है। यानी 10 मिनट में बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एग्जिट मारा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे हो रही थी, ठीक है, यानी यहाँ तक आते आते मेरा कॉल जो है, देखो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, ठीक है, उसको इसी कैंडल में एग्जिट किया था, जो कि मेरा मेरा जो एवरेज प्राइस था करीब 81 के आसपास, यानी 81 रुपीज का कॉल जो मैंने करीब 430 या 440 के आसपास बुक किया था, उसने हाई लगा था करीब 530 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मार्केट फिर से एक बार नीचे गिरा, एंड मैंने करीब यहाँ पे आपको फिर से एक बार बाय दिया था, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार कॉल ऐड किया था, एंड वही कॉल बाद में जाके 700 रुपये तक गया था, ठीक है। यानी जो मैंने 81 में बाय किया था एवरेज प्राइस वो करीब 700 रुपये तक गया था, ठीक है। तो इस तरीके से देखो डेटा एनालिसिस काम करता है, ठीक है। यानी 1:40 के आसपास जो 20,000 हुआ था, ठीक है, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जिन्होंने एग्जिट मारी उनका क्या हुआ है, वहाँ पे वो बच गए, ठीक है। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे एग्जिट नहीं किए थे ना, वो भी यहाँ पे अब यहाँ पे ऑप्शन से ले ट्रैप होते, ठीक ठीक है। यानी जिन्होंने भी ऑप्शन प्रॉफिट कमाया था वो सारे की अब उस दिन वाट लगने शुरू हुई, ठीक है। देखो 1:53 के आसपास देखो 20,600 का कॉल वहाँ पे गया, यहाँ पे 600 का कॉल, ठीक है। अब देखो सिर्फ 4,000 रहेगा, ठीक है, यानी सॉरी हम 700 का देख रहे थे ना, हम 700 का देख रहे, ठीक है। अगर हम 700 का कॉल यहाँ पे देखते हैं तो देखो सिर्फ 6,000 के आसपास रह चुका, ठीक है। यानी इतनी बुरी वाट लगी थी उनकी कि वहाँ पे सिर्फ 6,000 तक ही ऑलरेडी यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिर्फ रह गए, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था मार्केट में, जितने भी ऑप्शन सेलर थे उस दिन सारे ऑप्शन चले गए, उस दिन वाट लग गई, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मूवमेंट इतनी जबरदस्त हुई थी कि देखो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। मैं बस यहाँ से सोच रहा था कि मार्केट 500 पॉइंट भी यहाँ से ऊपर जाता है तो भी यहाँ पे बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि मार्केट यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे राइटिंग हुई थी 20,000 22,000, ठीक है। जनरली मार्केट में क्या होता है 1,000 2,000 तक ठीक होता है, ठीक है, लेकिन ये 10,000 15,000 20,000 ये बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है। तो उस दिन अगर आप किसी दिन आपको इस तरीके से डेटा मिल जाता है तो फिर आप बिंदास मार्केट में डेटा के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक आपके पास एक कुछ सेटअप भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस कंटिन्यू डेटा के साथ ही शॉर्ट करते हो, ठीक है। आपको अपना एनालिसिस भी देखना है, आपका सेटअप भी देखना है, ठीक है। आप एंड आपको ये भी समझना पड़ेगा कि तो मार्केट ऐसे टर्न अराउंड हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ठीक है। मेरे पास ये करीब पिछले 5 साल का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपको कोई डेटा चाहिए तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास करीब पिछले 5 साल का डेटा है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी मैं मोस्टली निफ्टी का डेटा कलेक्ट नहीं करता हूँ, मोस्टली मैं बैंक निफ्टी का ही करता हूँ, ठीक है। एंड बाकी कुछ स्टॉक्स का भी मेरा कुछ पर्सनल डेटा है, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा चाहो तो फिर मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई शेयर करने में, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा एनालिसिस करते हैं, मैं इसके करीब 5 6 वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। मैं कम से कम 5 वीडियो इसकी बना दूंगा। फर्स्ट एक्सपायरी का मैंने वो यहाँ पे कवर कर दिया, एक साइडवेज मार्केट का कवर कर दूंगा, ठीक है, एक फॉरेन मार्केट का एंड एक रैली का मार्केट का कवर कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप इसकी एक बार फिर से इसको रिपीट कर सकते हो, एंड इसके कुछ और भी वीडियो आने वाले हैं तो उसके साथ में आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।